गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 केसी सिन्हा मैथ और इनवर्स है, ठीक है। चैप्टर का नाम जो है और क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 3 का 1, 2, 3 इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये 1 और 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का 1 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन कॉस 10 इनवर्स 3 बाई 4, यहाँ लिख सकते हैं कॉस 10 इनवर्स 3 बाई 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 जो दिया है ये 10 को हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है 10 थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब आपका है 3 और आधार है 4। हम लोग कर्ण जब निकालेंगे, ठीक है, आपका जब कर्ण निकालिएगा, यह है कर्ण, ये आधार है और यह है लंब, ठीक है। लंब आपका दिया है 3 और कर्ण दिया है आधार दिया है 4। जब कर्ण निकालिएगा आप तो कर्ण का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 9 प्लस 16, ये आपका हो जाएगा 5। इसका हो गया कर्ण हम लोग का निकल गया 5। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस और इसको बाहर ले लीजिए कॉस इनवर्स, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं 4/5। तो 4/5 कहाँ से आया, जैसे कॉस का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बाई कर्ण, ठीक है। तो आधार आपका दिया गया है 4 और कर्ण हम लोग का निकल गया है 5, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 4/5 और ये वाले कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा 4/5, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कॉस कॉस इनवर्स √3/2 और π/6। तो यहाँ सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस कॉस इनवर्स √3/2 और प्लस π/6। हम लोग आगे बनाएंगे इसको, ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। और ये होता है √3/2 का वैल्यू जो होता है π/6 होता है, ठीक है। और ये भी दिया है π/6, ये वाले कैंसिल हो जाएगा, π/6 प्लस π/6 इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 6π + π, ठीक है, 2π/6 कटेगा 3 बार में और π/3 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ए आर सी यहाँ को हटाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा आपका, यहाँ लिख सकते हैं 2 sin inverse 1/2 प्लस 3 tan inverse -1 और प्लस में आप यहां देख सकते हैं प्लस 2 cos inverse हो जाएगा आपका -1/2, ये -1/2 है, ठीक है। अब यहां होगा 2 sin inverse, आप यहां लिख सकते हैं sin π/6, क्योंकि 1/2 जो होता है साइन 30 डिग्री जो होगा 30 होगा, साइन कॉस 10 कुछ भी में होगा, तो वहाँ π/6 लेंगे, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 3 tan inverse 10 π/4, ठीक है। यहाँ माइनस होगा, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और प्लस हो जाएगा 2 cos inverse cos
इसका जो होता है वैल्यू 2/3 के इक्वल होता है। अब हम लोग इसको काट सकते हैं, ठीक है। आपके पास बचा 2 × π/6 प्लस और माइनस हो जाएगा, −3π/4 और प्लस ये हो जाएगा आपका 4π/3। इसको भी आप क्रॉस कर काट सकते हैं, ये हो जाएगा आपका −3π/4 और प्लस 4π/3। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एलसीएम 12, ये हो जाएगा 4π −9π और प्लस 16π, ठीक है। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 20π −9π/12, जब माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 11π/12, ये हो गया आपका।